अब मैं चर्चा करूंगा सर दो तीन इश्यूज के ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट का मामला भी अभी हमारा दुराचार का, उसका यही पता नहीं कार्गो बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा, नेशनल बनेगा। 8 बार सर उसकी उद्घाटन हो चुका है, आज तो शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन उसका नहीं हुआ। 8 साल से केंद्र की सरकार हरियाणा प्रदेश और हिसार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो अंत में सर तीसरा सर, अब मैं बात करूंगा, मंत्री जी कल कह रहे थे MSP के ऊपर हमने कोई वायदा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चिट्ठी है भारत सरकार कृषि व किसान मंत्रालय भारत सरकार, PM महोदय वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन से लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जिस दिन महोदय समझौता हुआ, भारत के प्रधानमंत्री MSP पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। MSP के ऊपर सर आज तक किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तीसरा एक मारा था MSP को लेकर के, बड़ी बेईमानी है। तीसरा एक दूसरा हमारा मुआवजा, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी है, कौन विश्वास करेगा, कौन माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को मानेगा। मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए हरियाणा और UP सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर 3-3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं हिसार में, आज तक हमारे किसान का मुआवजा नहीं मिला, इसे किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है। पिछले दिनों आप लोगों ने कहा कि हम MSP की चर्चा मैं करना चाहूंगा, किसान के लिए है प्रधानमंत्री किसान योजना, इसमें 6,000 रुपये दिए सर, 6,000 एक साल के, 6,000 में जिस वक्त ये योजना लागू की गई, डीजल का भाव किसान निधि 24 फरवरी 2019 को, उस वक्त डीजल का भाव था 65 रुपये प्रति लीटर, 200 लीटर डीजल भर करके उसमें आपने 6,000 रुपये तो वहीं पूरे कर दिए। आज प्रभाव है 100 रुपये, उस वक्त था 65 रुपये, 2019 में भी 6,000 रुपये किसान निधि और आज 2024 में भी 6,000 रुपये किसान निधि, ये किसान के साथ बड़ा धोखा है। किसान को MSP लागू कर दो कि आप, हम या आपको 6,000 रुपये महीना दे देंगे, डीजल 2019 का लागू कर दो, 2014 का लागू कर दो। किसान के साथ आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है, जवान के साथ आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है। किसान, कल खाद की चर्चा चल रही थी, DAP 2014 में 1400 रुपये प्रति कट्टा था, आज वो 2400 रुपये प्रति कट्टा है। यूरिया के अंदर आपने बड़ी चतुराई से, इसलिए हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि धनवानों की सरकार है, और कैसे है, यूरिया के दाम कम बढ़ाए लेकिन उसमें से वजन कम कर दिया, 5 किलो पहले वजन कम किया, 5 बाद में कर दिया। इतनी चतुराई से इस देश के किसान को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस बजट को मैं किसान विरोधी, नौजवान विरोधी संज्ञा देता हूं। आप बात करते हैं रोजगार की, कौशल रोजगार निगम हरियाणा में बनी सर, कौशल रोजगार निगम में ही कहते हैं, कौशल रोजगार, गरीबों की थोड़ी सी बात कर लूं, कौशल रोजगार निगम में क्या है जी, नौकरी लगती है, कोई रिजर्वेशन SC PC की नहीं, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हरियाणा में नहीं पूरे देश में धोखा किया गया है। और उसके अंदर सर, जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम गरीब आदमी को, SC को, BC को 100-100 गज के फ्री प्लाट दिए, हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफा दिया, स्टाइफंड दिया, हमने हर घर में टूटी और दी, हमारी सारी परियोजनाएं बंद करके आप ये ड्रामा करते हो इस देश के दलित के साथ। मैं कहता हूं कि संविधान की संशोधन, एक सेकंड, नरेगा रागी सर, नरेगा रागी बड़ी जरूरी है, देश का किसान लड़ेगा आपसे भी। जब नरेगा, उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, इस देश में UPA सरकार में लाई गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री जी थे, तो उस वक्त 60 रुपये मजदूरी थी, आज कुल 200 रुपये। अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम 400 रुपये करेंगे, और हरियाणा ने कहा था हम 600 रुपये करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद, मनरेगा की मजदूरी 600 रुपये की जाए। सारा अग्निवीर का मामला रह गया। माननीय मंत्री,
माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, आपके आपकी पार्टी से 5 मिनट का समय अलाट हुआ इनके लिए, मैंने 7 मिनट दे दिया माननीय राजीव रंजन सिंह जी, 5 मिनट था आपको, 7 मिनट दे दिया। अच्छा आप कंक्लूड कर लें, आप कंक्लूड कर लें। कंक्लूड करता हूँ, हाँ मैं सर एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार है, चल गया, ये सरकार है एचसीआई स्टाफ, हमारे हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसी दिन से डेली हर रोज ईडी की रेड हमारे यहाँ हो रही है, हमारे विधायक जेलों में बंद है, हमारे माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय मंत्री सभापति महोदय,